हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जरूर जाने। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी व्हाट्सअप स्टेटस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट्सअप स्टेटस क्या होता है, अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो आपको 100% पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट्सअप आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन है। अगर आपने व्हाट्सअप को अपडेट नहीं किया तो प्लीज़ अपडेट कर लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके दोस्त यहाँ जो भी स्टेटस डालते हैं वो यहाँ पे शो होता है, कोई भी वीडियो या फोटो। तो इसी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं एक मेरे दोस्त ने एक स्टेटस डाउनलोड किया है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये स्टेटस यहाँ पे शो होता है। बहुत सारा स्टेटस ऐसा होता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि स्टेटस हमारे पास हो, लेकिन आपके पास नहीं आ पाता क्योंकि स्टेटस उनका होता है, आप डाउनलोड नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किसी भी स्टेटस को, या फोटो हो या वीडियो हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, उसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। पहले प्ले स्टोर में हम चलते हैं, उस ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ कि किसको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टेटस सेवर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस सेवर यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सारा आएगा, लेकिन आपको इसी को करना है बिल्कुल, क्योंकि मैं इसे बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ और ये देख सकते हैं बिल्कुल इसका रेटिंग भी अच्छा है और इसके डाउनलोड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं इसे ओपन करूंगा। तो अब बता दे रहा हूं कि आपको डाउनलोड कैसे करना है स्टेटस। हम इसे काट देते हैं और यहां पे नीचे जाते हैं और हम अपने व्हाट्सअप को ओपन कर देते हैं। किसी भी स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी आपके दोस्त ने स्टेटस डाला है उसको बस यहाँ पे शो कर लेना है। जैसे मान लीजिए इसने डाला है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस स्टेटस को मैंने देख लिया, यानी ये स्टेटस अपने आप मेरे फ़ोन में सेव हो जाएगा, यानी उस ऐप में हो जाएगा और उस ऐप में जाके आप आसानी से सेव कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला स्टेटस मैंने पूरा देख लिया, उसके बाद मैं काट देता हूँ, कोई फ़ोटो डाला है किसी ने तो फोटो भी देख लीजिए, वो भी आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो स्टेटस को सेव करने के लिए हम जाते हैं स्टेटस सेवर ऐप में। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये रहा ऐप, मैं इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे जितने भी स्टेटस आपने देखे हैं सबका स्टेटस यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये रहा इमेज, जितने भी इमेज आपने स्टेटस में देखे हैं सब यहाँ पे आ गए। इसे अगर आपको अपने गैलरी में सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फोटो है तो फोटो को, और यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। उसके बाद बैक करते हैं और वीडियो, जैसे स्टेटस वीडियो किसी ने डाला तो उसे कैसे चेक करें, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो का निशान है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं मेरे दोस्त ने एक ही ने अभी कोई स्टेटस डाला था तो एक है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर प्ले हो जाएगा। आपको सेव करना है आपके गैलरी में तो यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव, डिलीट और भी बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, तो एक आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ और दिखाता हूँ कि आपके गैलरी में स्टेटस सेव हो जाएगा। मैं गैलरी ओपन कर लेता हूँ, दिखाता हूँ कि स्टेटस हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। ये देख सकते हैं ये स्टेटस वीडियो था, इसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये वही वाला है। तो इसी तरह आप किसी भी स्टेटस में, चाहे फ़ोटो हो चाहे वीडियो हो, सबको आसानी से सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए रोज़ लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।